और दोस्तों आज संदीप को वॉक कराने के लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा वॉक कराना ज़रूरी है, जो कि 4 किलोमीटर। तो हम लोग निकले हैं अपने घर से और जा रहे हैं कनॉट प्लेस की ओर। ओके, तो जैसा कि भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया, भट्ट ब्रदर्स सुबह सुबह के वक्त 8 बज रहे हैं, अभी निकल पड़े हैं अपने घर से सीपी की ओर। गोल मार्केट होते हुए हम लोग जा रहे हैं और छुट्टी है भाई की, और रास्ते में सीपी के पास हनुमान मंदिर है, बहुत ही फेमस, तो वहाँ भी लेके चलेंगे। और क्या, वहाँ पे मिलती है कचौड़ी और मिलती है चाय, ऐड कर दो और वो होता है ब्रेकफास्ट। चाय और कचौड़ी का ब्रेकफास्ट होगा आज दोनों भट्ट ब्रदर्स का। ये यहाँ से लेफ्ट जाती है पहाड़गंज की ओर, सीधा जाती है सीपी की ओर, राइट जाती है गोल्ड मार्केट की ओर, बंगला साहिब की ओर। हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे, बंगला साहिब होते हुए जाएंगे। ये बंगला स्वीट्स, ये बहुत ही फेमस बंगला स्वीट हाउस, बहुत पुराना है यहाँ पर, ये इनका इस साइड भी है, ये बंगला फूड्स। यहीं पे पीछे हम लोग सबसे पहले जब दिल्ली में आए थे तो एग्जैक्टली ये जो बिल्डिंग है पीछे, यहाँ पर हम लोग रहते थे, क्योंकि पेड़ वेड़ है तो इतना दिख नहीं रहा है ना। ये है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, यहाँ पर हमने नीचे से बॉलिंग होती थी, ऊपर बैटिंग होती थी। बहुत क्रिकेट खेला है बचपन में मैंने, और क्रिकेट से याद है, क्रिकेट मैच होने वाला है बहुत जल्द, जैसे मैंने बताया था आपको, जानने के लिए बने रहें। और ये हमारा घर था, इसके बिल्कुल सामने मेट्रोपॉलिटन होटल गोल मार्केट का। ये देखिए गोल मार्केट का काली मंदिर, बचपन की यादें ताज़ा, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, काली मंदिर है ये। तो वो पीछे काली मंदिर था, वहाँ से इधर आके बंगला साहिब गुरुद्वारा है। ये देखिए गुरुद्वारा बंगला साहिब का बस स्टैंड है ये, इसके ऑपोजिट उस साइड बंगला साहिब है, और हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे है सीपी। अब ये है दिल्ली का एयरपोर्ट मेट्रो, ये वाला ना, LIC शिवाजी स्टेडियम, वन ऑफ द मेट्रो एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो आपको बहुत ही सुविधाजनक राइड दिलाएगा अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाना है। और ये देखिए श्री हनुमान मंदिर वाटिका, ये हम आ गए हैं नॉर्थ प्लेस के फेमस हनुमान मंदिर में, जो कि है उस तरफ, ये सामने। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर में, जो कि है सामने, और इस साइड बहुत सारी फेमस, बहुत ही फेमस कचौड़ी मिलती हैं, मतलब लोग बहुत दूर दूर से इसको खाने के लिए आते हैं कचौड़ी। ये हनुमान मंदिर है, आप सब भी दर्शन करिए। और ये रहा प्राचीन हनुमान मंदिर, यहाँ से अंदर जाके मंदिर है, तो वीडियो बनाना अंदर से अलाउड नहीं है। सब लोगों ने बजरंगी भाईजान तो देखी है, यहाँ पे भी कुछ शॉट्स शूट हुए थे उसके, बजरंगी भाईजान मूवी है। और यार अच्छा, वो उसमें हनुमान जी वगैरह के कुछ शॉट्स थे। चलिए कचौड़ी खाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, और इंजॉय करिए वर्चुअल कचौड़ी हमारे साथ, वर्चुअल कचौड़ी इंजॉय कीजिए। अब मेरा भाई आपको टेस्ट रिव्यू करके बताएगा हनुमान मंदिर की कचौड़ी का। आनंदित, बढ़िया, लेट्स एंजॉय देन, हाउ इज इट गोइंग? जवाब टेस्टी है बहुत। कचौड़ी है अधूरी अगर चाय साथ नहीं। कचौड़ी है अधूरी, चाय है जरूरी। तो देखिए कुल्लड़ वाली चाय, गर्मा गर्म चाय, जो पिए उसे मजा आ जाए। ये संदीप भट्ट इस चाय का टेस्ट ले रहा है, तो चाय बनाए कड़क एकदम। और ये है सीपी का आउटर सर्कल, जो कि मैंने काफी बार दिखाया हुआ है आपको, और ये भी बहुत फेमस है खाने वाला है यहाँ पे सीपी के पीछे, जैन चावल वाले, जो दिल्ली का बंदा होगा उसको पता होगा इसके बारे में। इसमें सुबह सुबह भीड़ होती है खतरनाक, ये देखो अभी से कितनी भीड़ है, इसमें सुबह सुबह का वक्त है। ये बड़ा फेमस है, जहाँ कचौड़ी खाई हमने वो भी बहुत फेमस है, और ये जैन चावल वाले जो पीछे दिख रहा है आपको बहुत फेमस है। आपको भाई दिल्ली घुमा रहे हैं अपने साथ साथ, दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है बताना। कोई जो जो दिल्ली नहीं आया होगा उसके लिए तो खैर पहली न्यू चीज़ होगी देखने के लिए, तो बने रहें। और ये पीछे शिवाजी स्टेडियम, ये देखिए शिवाजी स्टेडियम,
और ये रहा वो स्टेडियम, यहाँ पे कॉमनवेल्थ हुआ था ना शायद, है वन ऑफ द स्टेडियम ऑफ फॉर कॉमनवेल्थ 2010। यहाँ से गोल मार्केट का राइट साइड में डॉक्टर्स लेन है, जो कि बहुत पॉश इलाका है कि नहीं। अब एक मैसिव घर है मैंने देखा है, वाइट कलर का कोठिया है भाई, बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव इलाका है। जब कनॉट प्लेस इतना पास है, 5 मिनट की दूरी पर, तो एक्सपेंसिव रहना तो बनता ही है। 1.5 घंटे की वॉक के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ठिकाने, चलते हैं यहाँ से घर की ओर। ओके 1.5 घंटा हो चुका है, हाँ 1.5 घंटा में हो गया, पता भी नहीं चला। अच्छी तगड़ी वॉक हो गई सुबह सुबह की, हेल्दी है, बढ़िया है। घूम फिर के फाइनली घर वापसी हो गई है। देखिए दो शख्स ही हैं और यहाँ पूरा हुआ भट्ट परिवार। ये देखिए ये और ये। हेलो जी, चिल्ला रहा तब से, दोनों साथ साथ निकले, बस पागल हो गया ये। हाँ भाई हीरो, हाँ भाई हीरो, हनुमान मंदिर गए हम लोग, हनुमान मंदिर, हाँ सीपी पैदल गए भाई वहाँ तक, तो फिर कोई भजन हो जाएगा। मम्मी बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब जब उनके भक्तों पर कोई संकट आता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ाता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ाता है। जिसके घर में जलती है बजरंग बली की ज्योति, ये भी गाने लग गया भजन। किसी चीज की कभी कमी ना होती भैया, कभी कमी ना होती। उसके घर में धन दौलत बरसाता है, मेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये भी भजन गा। तो आईपीएल का फाइनल चल रहा है, एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था, मैं भी देसी आईपीएल करवाने वाला हूँ। बहुत जल्दी होने वाला है, दो तीन दिन के अंदर प्लान है हमारा करने का। तो खैर वो जब तक होगा, आज आईपीएल का फाइनल देखते हैं, और जब तक ये ब्लॉग एंड होगा तब तक आईपीएल का फाइनल भी खत्म हो चुका होगा। मेरी जो प्रेडिक्शन है, अभी आईपीएल का स्टार्ट नहीं हुआ फाइनल, तो मेरी प्रेडिक्शन है कि सीएसके जीतेगी। देखते हैं कि कौन जीतता है, मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती है या नहीं। मैं तो क्या कहते हैं आरसीबी का फैन हूं वैसे तो, लेकिन खैर अब बैंगलोर तो है नहीं। और इसी के साथ चेन्नई की पहली बैटिंग है, चलिए एंजॉय करते हैं अब यहां से मैच। और काफी लोगों ने मुझे प्रीवियस वीडियोस में ये भी लिखा था कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो हमको भी प्लीज गाइड करो। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ बता सकूँ। वैसे मैंने आपको काफी पहले बताया हुआ था, जब मैंने आई थिंक सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड किस में हूँ इस टाइम, वो है बजाज फाइनेंस। ये डिस्क्लेमर है, मेरे पोर्टफोलियो में है, बहुत अच्छी कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी हैं, जिनमें मैं भी इन्वेस्टेड हूँ। अगर 4-5 कंपनीज की मैं नाम बताऊँ, तो उनमें से टाटा पावर, मैं मतलब 3 डिजिट्स का भी टाटा पावर नहीं था उससे पहले से इन्वेस्टेड हूँ उसमें। तो बजाज फाइनेंस है, पॉली कैब है, दीपक नाइट्राइट है, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं। बाकी आपको अगर थोड़ा बहुत और जानना है तो आप बता सकते हैं, मैच देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मिलते हैं। वैसे जब तक ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक तो देख ही चुके होंगे आप कौन विनर है, बट स्टिल अभी तो फिलहाल मैं लाइव देख रहा हूँ, तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं मैं। और भाई आ चुका है आईपीएल में, आईपीएल का फाइनल चला, कौन जीतेगा, सीएसके या केकेआर? ऑलवेज एमएसडी, एमएसडी, मैं भी एमएसडी की साइड हूँ। तगड़ी बैटिंग चल रही है, 12 ओवर में 112 रन, वे यू गो। Oh, last ball! Oh no! Oh no! Fab Duplessis out हो गया, orange cap भी रह गई इसके हाथ से यार। 192 for 3. भूत बना दिया, literally आज वही किया CSK ने, KKR का फिलहाल भूत बना दिया batting में। 192 बनाए हैं 20 over में, 193 जीतने के लिए चाहिए उनको। Here comes team KKR. Will they be able to do it? Only time will tell. Here we go folks, first ball, और जानने के लिए बने रहे। फर्स्ट बॉल अभी ना कराया नहीं। तो भाई मेरी फिरकी उड़ा रहा है, मजा आ रहा है उसको, बने रहे जानने के लिए क्या होगा। कशमकश बढ़ चुकी है, तो पावर प्ले खत्म, 6 ओवर में 55 रन है, अच्छा स्टार्ट मिला है केकेआर को, देखते आगे क्या होता है। और यहाँ पे 7th विकेट डाउन, राहुल त्रिपाठी आए और राहुल त्रिपाठी गए, ये देखिए एकदम इस तरीके से विकेट गिरा है राहुल त्रिपाठी का, 7 विकेट गिर चुके हैं इनके, ये देखिए 120/7। इसके साथ ना के बराबर उम्मीद है केकेआर के जीतने की, तो जिसने भी सीएसके बोला होगा मेरी तरह जीत चुके हैं, बधाई हो आपको।
और इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। काफी लेट भी हो गए, मुझे जल्दी उठना है, फिर एडिटिंग भी करता हूँ मैं। तब मैं सोता यहाँ से, अगर सुबह तक CSK अगर KKR कुछ हो जाए, मॉर्गन कुछ बना दे तो अलग की बात है, बट फिलहाल अब मैं सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। बाय, टेक केयर।